हो राजधानी। आज प्रचार का पहला दिन है और फॉर्म दाखिल करने का भी पहला दिन है। हमने अपने प्रचार का आगाज़ कुम्हारबाड़ा और इस्लामपुरे से किया है। ये वो इलाका है जहां अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग, बल्कि यूँ कहिए कि सभी लोग हमारे जानने और मानने वाले लोग हैं। हमने प्रचार का आगाज़ किया है माजी की तरह, घर घर जा कर के रब्ता करेंगे। अपने 5 साल में एक MLA होने के नाते जो बड़े बड़े काम हैं, उन कामों को हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें ये उम्मीद है कि इन बड़े कामों को देख करके लोग घर पर रब्ता करने की वजह से हमें आइंदा भी वोट देंगे और खिदमत करने का मौका देंगे। आज अपने साथियों का इंतज़ार भी नहीं किया और काम पर लग गए? असल में हम लोग काफ़ी लेट हो गए। प्रोग्राम हमारा तो 10 बजे से होना था और हम लोगों को इस प्रचार का आगाज़ 15-20 दिन पहले से करना था, लेकिन कुछ हालात की वजह से हम लोग थोड़ा लेट हो गए। इसलिए हम लोग 10 बजे निकलने वाले थे, 11 बजे के इंशाअल्लाह बहुत अच्छी अक्सरियत से जीतेंगे। घर घर जा रहे हैं लोग, क्या कह रहे हैं? घर घर जा रहे हैं, सभी हमारा इस्तकबाल कर रहे हैं। लोगों के चेहरे बताते हैं कि वो हमको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं। लोगों का चेहरा बताता है, लोगों की बात बताती है। अभी हम जितनी जगहों पर गए, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह से हमें पॉजिटिव तासुर मिला है, मुस्बत तासुर मिला है। हमें लोगों से बहुत आस और उम्मीद है और लोगों का जो तासुर है, हमें उससे पता चलता है कि ये हमारे ही वोटर है। आज कितना इलाके में हम तो निकले हैं, अब शाम तक चलते रहेंगे, जहाँ तक पहुँचे आए, कल से इंशाल्लाह वहाँ से आगाज़ करेंगे। बोलना चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब ने ना एक तला दिए ना किसी को बोले कि मैं आ रहा हूँ और घर घर हम जाना है, कोई को मालूम नहीं, अचानक आ गए। और दूसरा ऐसा कि मुफ्ती साहब की तरफ से नंबर एक स्कूल जो है पूरा, वो सीमेंट रोड पूरा कॉन्क्रीट का रोड हो रहा है। सरदार मार्केट के पीछे से रिक्शा स्टैंड जो है अपने यहाँ तक के सीमेंट कॉन्क्रीट मुफ्ती साहब की तरफ से हो रहा है। कुम्हारवाड़े में हम गए तो हमको बोलने का मौका मिला नहीं, वहाँ पे पूरी पाइपलाइन और पूरा सीमेंट रोड वहाँ पर भी मतलब तामीर करने का काम चालू है, पाइपलाइन बदली हो रही है। तकिए में जो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी मुफ्ती साहब की तरफ से सीमेंट कॉन्क्रीट रोड हो रहा है। यही अपनी दो बात मैं, कोई शिकायत मुफ्ती साहब से आपको कभी नहीं रही और आगे भी कभी नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह हमने हसनपुरा पूरा क्लियर किया है, इसी तरह जो है अपने कुम्हारवाड़ा है और इसी तरह जो है अपने साथ में लगी नंबर एक स्कूल से लग के जो बस्ती है, इस एरिए को भी हम पानी की पाइपलाइन है और इसी तरह जो है रोड, इस तरह उसको बना करके उसको पूरा क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेटलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार, डायमंड कारपेट।